मौका दीपावली का है क्यों दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है। मौका दीपावली का है क्यों दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है। इनके परिवारों को भगवान सुख समृद्धि दे। मानगढ़ विधानसभा का स्नेह और आशीर्वाद डॉक्टर साहब पर 30 वर्षों से रहा है। दीपावली के दूसरे दिन राम राम करने का सिलसिला प्राचीन काल से ही राजस्थान के अंदर चला आ रहा है। उसी की कड़ी में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर आज दीपावली स्नेह मिलन का रखा गया प्रोग्राम और इस समारोह के अंदर बढ़ चढ़ कर कार्यकर्ताओं ने लिया है भाग। आइए आपको लिए चलते हैं कि इस समारोह के अंदर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने क्या कहा है। ये इनका स्नेह है और मौका दीपावली का है क्योंकि दीपावली सबसे बड़ा त्यौहार है। उस पर उस हिसाब से सभी लोग आए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं और इनके परिवारों को भगवान सुख समृद्धि दे ये कामना करता हूँ। नशा एक ऐसा कोड की बीमारी है कि वो पूरे के पूरे परिवारों को तबाह कर रहा है। इसमें किसी एक आदमी से नहीं होगा, सभी को मिलकर के इसमें सहयोग करना पड़ेगा। चाहे वो खुद हो, चाहे अभिभावक हो या प्रशासन हो, सभी को मिलकर के इसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी। खेती के बारे में है कि इस बार थोड़ा सा आगे किसान को नुकसान हुआ है, विशेष तौर से आपके नरमे की फसल में। सब ठीक है, उसके लिए हमने हमारी तरफ से प्रशासन को चेताया इस बात के लिए कि जो कमी रही है उसको दूर किया जाए। इस तरीके से किसान लूट रहा है। दीपावली स्नेह मिलन समारोह के अंदर बीजेपी अध्यक्ष बलवीर बिश्नोई ने भी शिरकत की है। आइए सुनाते हैं उनका इस मौके पर क्या कहना है। देखो, हनुमानगढ़ विधानसभा का स्नेह और आशीर्वाद डॉक्टर साहब पर 30 वर्षों से रहा है और जो इन्होंने इस विधानसभा ही नहीं पूरे हनुमानगढ़ की जनता के लिए जिला बनाकर सौगात प्रदान की, उसी दिन से इस जिले का स्नेह और आशीर्वाद डॉक्टर राम प्रताप जी पर और जो इन्होंने सिंचाई क्षेत्र में इस जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहते हुए जो इन्होंने सिंचाई क्षेत्र में किसानों के लिए योगदान दिया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि कहें या जनता का स्नेह कहें तो ये भीड़ स्वाभाविक है। भीड़ ही नहीं, ये सब कार्यकर्ता है, पार्टी के परिवार के व्यक्ति हैं, डॉक्टर साहब के परिवार के व्यक्ति हैं। तो इस मौके पर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को इस पावन पर्व की, दीपोत्सव पर्व की, दिवाली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और राम राम देता हूँ। को बदलाव नहीं, ये भीड़ आप नहीं कह सकते, ये कार्यकर्ता की। मैं 30 साल से लगातार पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और लगातार ये जो कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता है, भीड़ नहीं। और पिछली बार की अगर बात करें, भीड़ कहीं कम नहीं थी। 1,00,000 वोट मिले हमें, 45% वोट लगातार जब से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं 45% वोट हनुमानगढ़ विधानसभा मिलते हैं। लेकिन जो ये जनता का स्नेह हनुमानगढ़ की, वो इनकी कार्यशैली, इनकी ईमानदारी, इनका साफ बात करने की इनकी जो आदत है, उसी से हम सब लोगों का स्नेह बना हुआ है। किसानों के लिए जो हमारी केंद्र सरकार, चाहे हमारी पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज मोदी जी की सरकार, जो किसान हित में, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया हो, और चाहे फसलों के हर वर्ष फसलों का जो MSP बढ़ाने का काम हो, इस प्रकार किसानों के लिए इन 8 सालों में बहुत ही काम हुए हैं। तो किसान, सभी किसान बंधु भारतीय जनता पार्टी से पहले भी जुड़े थे और भी आगे जुड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के सुपुत्र अमित साहू, जो कि युवा नेता हैं बीजेपी पार्टी के, वे भी आज कार्यकर्ताओं के इस प्रकार जोश को देखकर खुश नजर आए। आइए सुनाते हैं आपको उनका इस मौके पर क्या कहना है। ये लोगों का प्रेम और प्यार है, हर वर्ष इसी तरह से लोगों का प्रेम और प्यार हमारे साथ रहता है। कोरोना काल के दौरान ये कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, इसलिए 2 साल बाद ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, निश्चित तौर से डॉक्टर राम प्रताप जी का लोगों के साथ जो संपर्क, प्रेम, प्यार है, वही इस बात को दर्शा रहा है। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हर वर्ग, हर समाज के लोग आके दिवाली की राम राम कर रहे हैं और लोगों का जो
अगर अपने राजनीतिक रूप से कहें तो जो कांग्रेस सरकार है इसके प्रति जो उनका मोह भ्रष्ट हुआ है उसी का उसका परिणाम मैं कम कहूँगा, क्योंकि हर वर्ष ही लोगों का प्रेम और प्यार इसी तरह से रहता है। ये तो एक रामनवमी का कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और हर वर्ष की भांति जो हर साल हम होली दिवाली करते हैं, दो साल कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाया था, इसलिए ये दोबारा है। तो लोगों का जो प्रेम और प्यार है वो देखते बनते हैं। लोगों के लिए आज के टाइम केवल मात्र एक ही संदेश है कि आप नशे से दूर रहें, अपने माँ बाप की इज्जत मान मर्यादा रखें, अपने बुजुर्गों का आदर करें और नशे से दूर रह के खेलों और जो अपने परंपरागत आपके जो काम है बिजनेस से उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि रखें। मोबाइल से कम मोबाइल से अटैच रहें, परिवार में और बुज़ुर्गों के साथ रहें। धन्यवाद।